हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुमित सर हर्षित एकेडमी। आज के वीडियो में हम वेक्टर्स क्या होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे और उसके चार चीजें हम फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर्स, मॉड्यूला यूनिट वेक्टर्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। चलो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है वो फिजिक्स से रिलेशन रखता है। जैसा आपको पता है दो टाइप की क्वांटिटीज होती है, एक है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और डायरेक्शन की जरूरत उसमें नहीं होती है। सो डायरेक्शन इज नॉट नीडेड, मैग्नीट्यूड इज नीडेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूछते हैं कि वॉट इज योर वेट, सो आप क्या बोलोगे? दैट माई वेट इज 50 kg, इतना आपने बताया। आप ऐसा कभी नहीं बोलोगे कि 50 kg इन ईस्ट डायरेक्शन या 50 kg इन वेस्ट डायरेक्शन, ऐसा हम नहीं बोलते। क्योंकि वेट को अगर आपको कंप्लीटली बताना हो दूसरे को, दूसरे इंसान को, तो आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। सो यू विल सिंपली से दैट माय वेट इज 50 kg, दैट्स इट। मींस दोज क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो चलो ये तो हमने देखा, बट ये मैथ्स में स्केलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट जरूरी इसलिए है समझाना कि तभी आपको वेक्टर्स पता लगेगा। अगर मैं वेट के बदले मैं किसी को ये पूछता हूं कि फोर्स जो है वो कितना बॉडी पे लगता है, कोई बॉडी है, ये बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, मे बी यहाँ पे या ऐसे फोर्स लग सकता है, तो मैं कोई भी डायरेक्शन में आपको, यानी मैं आपको पूछता हूं कि आप इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो आप क्या बताएंगे? जैसे ये है सपोज 20 और एक ऐसा लेते हैं, चलो एक फोर्स हम ऐसा लेते हैं, एक बॉडी पे दो फोर्स लगते हैं, तो ये मैं ले रहा हूं 40 kg, ठीक है। आपको बोलेंगे कि भाई फोर्स कहां, फोर्स की क्या वैल्यू है इस बॉडी पे, तो आप क्या बोलोगे कि यू विल से 20 kg इन ईस्ट डायरेक्शन एंड 40 kg इन साउथ डायरेक्शन। दैट मींस वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। सो दीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर मैग्नीट्यूड आल्सो एंड डायरेक्शन आल्सो फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये तो मैंने फिजिक्स के हिसाब से समझा है, अब इसी को मैथ्स में समझना हो कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो हमें थ्री डायमेंशनल प्लेन का इसमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। थ्री डायमेंशनल प्लेन क्या है यहां पे समझाता हूं। देखो ये तो आपको पता है, बचपन से आप ड्रॉ करते आए हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। एक्सिस कैन चेंज, दिस इज नॉट यूनिवर्सल, जरूरी नहीं कि यहां ही एक्स होना चाहिए, ठीक है। इंजीनियरिंग में अगर ऑटोकैड आप सीखेंगे, यू कैन रोटेट, यू कैन चेंज द एक्सिस आल्सो, राइट, कोई बात नहीं। हम ऐसा समझते हैं कि ये एक्स एक्सिस में जो भी फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या रखेंगे, हम डायरेक्शन ऐसा नहीं लिखेंगे कि ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, नो, बिकॉज आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से डायरेक्शन को समझाना है। सो मैथ्स के हिसाब से ये डायरेक्शन को क्या लिखेंगे, तो याद रखना कि जो भी चीज, जो भी मोशन या जो भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगेगा, एक्स एक्सिस में लगेगा,
उसे हम आई बोलेंगे। जो भी फोर्स, जो भी मोशन वाई एक्सिस में होगा उसे हम बोलेंगे जे, और जो भी फोर्स, जो भी मोशन जेड एक्सिस में लगेगा उसे हम बोलेंगे के। सो इन वेक्टर्स वी विल स्टडी थ्री डायरेक्शंस, दैट इज आई, जे एंड के। कई बुक्स में आई के ऊपर, अगर आई जे के, कई बुक्स में तो ऐसा ही लिखते हैं, कई बुक्स में ऊपर बार लिखते हैं, तो बार लिखेंगे तो भी सेम, कई बुक्स में बार नहीं लिखते तो भी सेम, ऑल द सेम। यानी कि ये वेक्टर का जो चैप्टर है उसमें आई जे के जो है वो डायरेक्शन आपको बताएगा। तो कोई भी क्वेश्चन लिखा है, जैसे क्वेश्चन लिखा है 5, 4, -3 फॉर एग्जाम्पल, और आपको बोलते हैं कि उसका पोजीशन बताइए, इसका पोजीशन क्या है, तो ये पोजीशन आई जे के हिसाब से आपको बताना होता है। यानी कि ये जो फर्स्ट पोजीशन पे है, जो फर्स्ट 5 बता रहा है, उसको हम क्या लिखेंगे, 5i, आई इज द पोजीशन। 4 जो है वो आपको क्या बताना है, प्लस है ना 4, सो प्लस 4 लिख के हम जे लिखेंगे, और -3 है तो उसको -3 लिख के हम k लिखेंगे। यानी ये जो है वेक्टर क्वांटिटी उसको हमने पोजीशन में बताया i j k के हिसाब से। हमेशा याद रखना है, पहले वाला हमेशा i होगा, उसके बाद हमेशा j होगा, उसके बाद हमेशा k होगा। यही सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस पूछते हैं i j k, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि यही पोजीशन आई जे के को आप चेंज कर सकते हैं, वो ऐसे कोई सम्स आपको जनरली नहीं पूछते, पर अगर आपके यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई सम्स हो जिसमें इसका पोजीशन चेंज करते हैं, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। बट नॉर्मली आपके सिलेबस के हिसाब से आई जे के इसी सीक्वेंस में रहता है, ठीक है। तो यह है वेक्टर का बेसिक्स, और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें चार चीजें फाइंड करनी है। पहला है पोजीशन वेक्टर, दूसरा है मॉड्यूलाई, तीसरा यूनिट वेक्टर्स, एंड लास्ट इज डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसमें मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो मैंने 3-4 लिया है, थोड़ा ऊपर, अब इसमें मैंने ब्रैकेट किया है। ब्रैकेट जब भी, ये भी याद रखना, वेक्टर्स के चैप्टर में जब भी आपको ब्रैकेट दिखता है तो हमेशा कॉमा आएगा, और जब भी आई जे के लिखते हैं तो उसमें कॉमा नहीं आता, ना तो कोई ब्रैकेट आता है। आई जे के में कोई ब्रैकेट नहीं, आई जे के में कोई कॉमा नहीं, बस प्लस माइनस, और अगर ब्रैकेट आता है तो हमेशा कॉमा आएगा, ब्रैकेट आएगा तो कभी भी आई जे के नहीं आएगा, ध्यान रखना, ब्रैकेट में कभी भी आई जे के नहीं आएगा। ब्रैकेट नहीं है तभी आपको आई जे के लिखना है। तो ये जो आप आई जे के हिसाब से लिखेंगे ना, उसे हम पोजीशन वेक्टर्स बोलते हैं इसको, ठीक। तो चलो हम सबसे पहले पोजीशन वेक्टर इसका फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या आएगा, बहुत सिंपल, आई जे के हिसाब से लिखना है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट आई है, ये हो जाएगा 3i, दूसरा एलिमेंट जे होता है और वो माइनस में है तो माइनस जे, तीसरा एलिमेंट डी आई नहीं है, उसको भी अगर आपको लिखना है, कई बुक्स में लिखते हैं, थर्ड एलिमेंट नहीं दिया तो भी लिखते हैं, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, पर अगर नहीं लिखोगे, यही आंसर रखोगे तो भी चलेगा, पर थर्ड एलिमेंट आपकी बुक में लिखते हैं तो क्या बनेगा, 0k, ऐसा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे -4 के बाद थर्ड एलिमेंट नहीं है, इसलिए उसको हम 0 लिख के लिख सकते हैं, पर अगर आप ये नहीं लिखोगे 0k तो भी चलेगा। तो ये भी आपका, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। ये क्या बता रहा है,
I डायरेक्शन में 3, J डायरेक्शन में -4, बराबर। तो -4 क्या बताएगा कि J ऐसे प्लस जा रहा है, पर अगर ऐसे जाएगा तो क्या होगा, वो नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो J क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन। उसके बाद आएगा मॉड्यूलाई, मॉड्यूलाई में ध्यान से समझना, मॉड्यूलाई, मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड आपको पूछते हैं तो आपको एक ही मेथड करनी है। करना क्या है, पहले तो आपको स्क्वायर रूट लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट लिखना है, या तो आप इसमें एक और भी कर सकते हैं, आप पोजीशन वेक्टर को आर लिख दो, उसका सिंबल सिंबॉलिकली बताना है। सो पोजीशन वेक्टर हमेशा आर के फॉर्म में लिखना है, और जो मॉड्यूलाई है उसको आपको कैसे करना है देखो, तो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। तो मॉड्यूलाई को आपको क्या लिखना है, आर मॉड्यूलस, मॉड्यूलाई को लिखना है आर मॉड्यूलस, और इसको हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ जो फर्स्ट है, इधर देखो या इधर देखो, तो फर्स्ट जो है वो हो जाएगा 3 स्क्वायर, और जो सेकंड है वो हो जाएगा -4, राइट। हमेशा मॉड्यूलाई में आपको ये ही करना है, ये जो लिखा ना, दिस इज नॉट डिटर्मिनेंट, कंफ्यूजन होता है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल नहीं है, इसमें मॉड्यूलस का सिंबल है, ठीक है। यानी कि मैग्नीट्यूड लिखो या मॉड्यूलस लिखो या मॉड्यूलाई लिखो, ऑल द सेम। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 4 16। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5। चलो ये मॉड्यूलाई भी हो गया, यूनिट वेक्टर पे जाते हैं। यूनिट वेक्टर पे जाने से पहले एक और चीज आपको बता दूं, कई बुक्स में क्या करते हैं, आई के ऊपर बार रखते हैं, जे के ऊपर भी बार रखते हैं। तो अगर आपको ऐसा सिखाते हैं तो आपको फिर आर के ऊपर भी बार रखना पड़ेगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन है, पर मैं यहाँ पे बार नहीं रखता। अगर आप बार नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट अगर आप आई के ऊपर बार रखते हैं, जे के ऊपर बार रखते हैं, तो आर के ऊपर ही बार आएगा और यहां भी बार आएगा, सब जगह बार, ठीक। मेरे वीडियोस में आपको बार नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा क्यों करना। अब इसका आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर का सिंबल सबसे पहले लिखेंगे आर कैप, इसको क्या बोलते हैं, कैप, टोपी, आर कैप। आर कैप का फॉर्मूला है आर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ आर, राइट। तो आर भी हमने फाइंड किया है, क्या है, 3i-4j, और मॉड्यूलस भी हमने फाइंड किया है, क्या है, 5, राइट। अभी ये आंसर तो सही है, बट आपको एक और स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो 5 3 के नीचे भी लिखेंगे और 5 4 के नीचे भी लिखेंगे, दोनों के नीचे। तो इसका आंसर क्या आएगा, थ्री अपॉन 5 आई माइनस 4 अपॉन 5 जे। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर, राइट। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, एमसीक्यू में आपको सिर्फ यूनिट वेक्टर पूछते हैं, तो फिर ये आप मन में कैलकुलेट कर लो ऊपर के स्टेप्स, डायरेक्टली इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो है, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस। तो जिस तरह से हमने देखा कि टोटल 3 डायरेक्शंस होती है, आई डायरेक्शन, जे डायरेक्शन एंड के डायरेक्शन,
उसी तरह से डायरेक्शन कोसाइंस भी तीन होते हैं, जिसको कई बुक्स में अल्फा बीटा गामा लिखते हैं और कई बुक्स में एल एम एन लिखते हैं। तो मैं आपको एल एम और एन के फॉर्म में समझाऊंगा। काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सेट करके लिखते हैं, दिखने में आपको थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। तो एल यहां लिखता हूं मैं, एम यहां लिखता हूं, एन यहां। एल क्या बताएगा? आई का कोएफिशिएंट, ध्यान से सुनो। एल क्या, एल में क्या लिखेंगे? ये जो आई है उसका कोएफिशिएंट, यानी आई के बाजू में जो है, यानी आई से जो पहले है वो लिखना है। तो डायरेक्शन कोसाइन एल क्या हो जाएगा? 3/5। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि एल क्या होता है, एल का मीनिंग होता है आई के जो साथ में लिखा है वो तो 3/5। एन क्या होता है? जो जे के साथ में लिखा होता है वो। तो यहाँ पे जे के साथ में क्या लिखा है? -4/5। और एन तो जे के बाद के तो है ही नहीं, के इज नॉट देयर। फिर भी अगर आपको बुक में लिखते हैं तो आप उसकी जीरो वैल्यू लिख सकते हैं, बट अगर आप ये एन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, राइट? जो वैल्यू नहीं होती है ना उसे हम जीरो ले सकते हैं, ठीक है? तो उस केस में एन की वैल्यू जीरो आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये वेक्टर्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस। वेक्टर फिजिकल फॉर्म में समझा, यानी फिजिक्स के फॉर्म में, और वेक्टर मैंने मैथ्स के फॉर्म में भी आपको समझाया, राइट? और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें आई और जे की वैल्यू है, थर्ड नहीं है, यानी के नहीं है, पर सिंपल से ही स्टार्ट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इसके बाद हम थोड़े और एडवांस्ड और मेथड्स भी वेक्टर में देखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है, डायरेक्शंस आती है अलग अलग, परपेंडिकुलर आता है, तो जो भी आता है वो हम लोग आगे जाके वीडियोस में देखेंगे। बट तब तक ये वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सके, आप मुझे मोटिवेशन दीजिए और वीडियोस एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्कोर हाई, ऑल द बेस्ट।